सो गाइस, आज मैं देहरादून में हूँ और मैंने सोचा क्यों ना एक बहुत ही अच्छा सा व्लॉग बनाया जाए। और ये देखे क्या हुआ, मेरी चेन टूट गई। अब मुझे घर वापस जाना पड़ेगा एंड आई हैव नो अदर ऑप्शन। वैसे मेरे पास एक चेन एक्स्ट्रा है, सो मैं जाके नई चेन लगाता हूँ। सो गाइज, अब बाइक पे जल्दी से चेन लगाते हैं और फिर निकलते हैं राइड पर। थैंक गॉड मैं इस बॉक्स में एक एक्स्ट्रा चेन रखता हूँ, अगर नहीं होती तो दिमाग ख़राब हो जाता। लेट मी फाइंड द चेन फर्स्ट। सो ये है वो चेन और इसको हम इंस्टॉल करेंगे और फिर हम राइड पे निकलेंगे। और गाइज, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने चेन इंस्टॉल करना सिखाया है, तो हैव अ लुक एट द वीडियो। मैं यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा और उसके बाद आप भी अपने घर पे साइकिल की चेन बदल सकते हैं। सो चेन की साइज़ नाप लिया है और अब ये वाला ब्रेक करेंगे जो लिंक है और उसके बाद क्विक लिंक लगा लेंगे। सो चेन की लिंक टूट चुकी है और वो डिज़ायरेबल साइज़ का हो चुका है जो कि इसमें अटैच होगा। नई चेन इंस्टॉल हो चुकी है एंड नाउ आई एम गुड टू गो। बाइक में नई चेन इंस्टॉल हो गई है बट अभी भी काफ़ी डर लग रहा है कि दोबारा टूट ना जाए। देखो, एक डर तो बढ़ ही जाता है ना। तो आज मैं ज़्यादा लंबा नहीं जा रहा हूँ, बस मैं आसपास थोड़ा सा बाइक टेस्ट कर रहा हूँ कि चेन ठीक है कि नहीं है और उसके बाद मैं घर चला जाऊँगा। सो आई मस्ट टेल यू इट्स ऑलवेज ग्रेट टू सी द माउंटेन्स। आज का ब्लॉग मैं कल कंटिन्यू करता हूँ, दैट वुड बी बेटर। गुड इवनिंग गाइज, सुबह राइड करने का प्लान था कल के बाद बट मैं सुबह ट्रैकिंग पे चला गया था, अ शॉर्ट ट्रैकिंग। बहुत ज़्यादा नहीं गया था, मसूरी वाले रास्ते पर। बहुत मज़ा आया वहाँ पर और मैं वहाँ पे आपको थोड़े से ड्रोन क्लिप्स दिखाता हूँ। सो ये मेरे ड्रोन क्लिप्स थे, आपको कैसे लगे डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और अब मैं शाम को आ चुका हूँ साइकिलिंग करने और ये मेरी बाइक है और ये जगह है। इस समय मैं चामासारी वाले एरिया में हूँ और अभी पहले मैंने काफ़ी ऑफ रोडिंग करी, उसका भी मैं वीडियो दिखाता हूँ। हैव अ लुक एट इट। सो एज ऑफ नाउ मुझे 10-11% का ग्रेड मिल रहा है और साथ में एक कंप्लीट ऑफ रोड मिल गया है। सो MTB का जो असली मज़ा है वो आई पर्सनली बिलीव कि माउंटेन्स पर ही है, जहाँ पर ख़राब रोड के साथ आपको एलिवेशन मिल जाता है एंड देन द रियल चैलेंज बिकम्स। सो आपको ये ऑफ रोडिंग कैसी लगी? बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब जो लोग प्रॉपरली ऑफ रोड कर रहे होंगे उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी बट स्टिल मेरे लिए है, मुझे बहुत मज़ा आता है ऑफ रोडिंग करके। और माउंटेन्स पे जो राइड करने का मज़ा है वो प्लेन्स में है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बट स्टिल माउंटेन्स में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि आपको हर बार नई चीज़ें देखने को मिलती हैं और ख़ास तौर से देहरादून में। आई पर्सनली फील कि देहरादून इज़ अ सिटी जहाँ पर साइकिलिंग बहुत ज़्यादा प्रमोट हो सकती है क्योंकि यहाँ पर बहुत से ट्रेल्स हैं, बहुत सी जगहें हैं। तो देहरादून है एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पे आप राइड कर सकते हैं। अभी थोड़ा और चलते हैं, घूमते हैं। तो कहना पड़ेगा कि जो लोग परमानेंटली देहरादून में रह रहे हैं और साइकिलिंग कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ऑसम सी प्लेस है ये। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ये रास्ते और ख़राब हो जाते हैं भाई। वैसे तो रास्ते ख़राब होना प्रॉब्लमेटिक होता है
बट जो MTB चला रहा हो उसके लिए ये एक और फन राइड हो जाती है। सो गाइज, इन रास्तों पे चला के मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और ये मेरी बाइक है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। बाय द वे, कल जब चेन टूटा था तब ऐसा नहीं लग रहा था, तब बहुत ही इरिटेशन हो रही थी, बट स्टिल अब मज़ा आ रहा है। और पीछे का बैकग्राउंड देखिए, बहुत ही सुंदर। वैसे इन जगहों पर राइड करके आपको ना टाइम का पता चलता है और ना किसी भी ख़राब इमोशंस का। आपको बहुत खुशी होती है और समय भी बहुत ही आसानी से बीत जाता है। चलो चाय पीते हैं, आज मौसम अच्छा है और थोड़ा टाइम है मेरे पास। भैया चाय मिलेगी? ओह, क्या व्यू है यहाँ से, वाओ। जरूरी है पेन? क्या चीज? ये इसके पीछे फायदा ये है कि इस पे ना कुशन लगा हुआ है, और हमारी अगर आप सीट देखोगे ना तो उसमें कुशन नहीं होता है, तो ये कुशन ना फायदा देता है, वरना तो आधे घंटे में ही आदमी घर चला जाएगा। सो बहुत ही अच्छी सी चाय पीने के बाद अब मैं वापस निकल चुका हूँ। सो अब हम आ चुके हैं एकदम प्लेन रोड पर, बट इसका जो एलिवेशन है वो 4% है। ठीक है, बहुत ज़्यादा थकावट नहीं हो रही है इससे, और मैं पुश भी नहीं कर रहा हूँ अपने आप को बहुत ज़्यादा, तो आई एम जस्ट एंजॉइंग द राइड। बट ट्रस्ट मी, जब इतनी प्लेन रोड्स आती है तो मुझे लगता है कि अगर रोड बाइक हो तो ज़्यादा मज़ा है। माउंटेन बाइक का वो जो पहले ट्रेल्स आए ना उन पर चलाने में जो मज़ा है वो इस पर नहीं है। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ माउंटेन बाइक होता है उन रास्तों पर। सो गाइज, आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, और आपको वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड डू सब्सक्राइब इफ यू हैवन्ट डन ऑलरेडी। हैव अ ग्रेट डे एंड एन्जॉय योर लाइफ, एंड कीप राइडिंग योर बाइक।